आओ बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ते हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये पहली वीडियो है जिसमें सिर्फ हम तीन साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया, डोबराइनर, न्यूलैंड और मेंडली। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी और उनका प्रयास क्यों किया गया, क्योंकि तत्वों का जो अरेंजमेंट था वो व्यवस्थित नहीं था अच्छे से। वो अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना चाहते थे साइंटिस्ट, कि अलग अलग तत्व जिनके गुण धर्म एक जैसे हैं उनको एक ही कैटेगराइजेशन में। जैसे आप कभी भी अगर स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं तो आप देखते होंगे ज्योमेट्री बॉक्स एक साथ रखे होते हैं, या किसी आप देखोगे चार्ट पेपर है वो एक साथ रखे होते हैं, पेंसिल बॉक्स एक साथ रखे होते हैं। अगर उनको अव्यवस्थित कर दें तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से सभी साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट थोड़े बहुत तत्वों को आवर्त में डालना चाहे, एक टेबल बनानी चाहिए उनके गुण धर्मों के आधार पर। तो सबका अपना अपना प्रयास था। तो सबसे पहले जिन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया उनका नाम है डोबराइनर, जो आगे हम पढ़ते हैं। आइए पढ़ें डोबराइनर के त्रिक नियम। डोबराइनर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रिक दिया, ट्रायड का फार्मूला दिया, और उन्होंने क्या कहा कि हर एक ट्रायड में तीन तत्व होंगे और सारे तत्व आपस में उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित होंगे। और जो उन्होंने मेन स्टेटमेंट थी उनकी डोबराइनर की, उन्होंने कहा कि जो मिडल वाला तत्व है, जो बीच वाला तत्व है, उसका द्रव्यमान बाकी जो दूसरे तत्व हैं उनके द्रव्यमानों के औसत होगा। जैसे इन्होंने तीन ट्रायड दिए, पहला ट्रायड था जिसमें तीन एलिमेंट है, एक ट्रायड के अंदर तीन एलिमेंट है, तो टोटल तीन ट्रायड दिए इन्होंने। पहले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीक्वेंस में रखा उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और तीसरा ट्रायड था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके एटॉमिक मासेस इस तरह से लिखे हुए हैं। तो इस डोबराइनर ट्रायड के आधार पर जो एवरेज निकाली, पहला जैसे फर्स्ट ट्रायड की अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो लिथियम और पोटेशियम का जो द्रव्यमान है उसका जो एवरेज है, जैसे 6.9 और प्लस 39 डिवाइड बाय 2 एवरेज ऐसे निकालेंगे तो 22.95 आया, तो ये ऑलमोस्ट 23 के बराबर है। तो ये ट्रायड फुलफिल हो जाता है यहाँ पर। इसी तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम 88, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट बराबर हैं ये। लेकिन जब तक ये ट्रायड के फॉर्म में, इस तरीके से उन्होंने अपना एक त्रिक का सिद्धांत दिया जिसको डोबराइनर के त्रिक के नाम से जाना जाता है। अब उसकी कुछ खामियां थी कि क्या प्रॉब्लम हुई कि वो ट्रिक है जो इन्होंने टेबल बनाई वो सभी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं थी। उस टाइम जितने भी तत्व अरेंज करने में फेल हुआ, ये जितने भी तत्व थे उनको अलग अलग ट्रायड्स बनाने में फेल हुआ, क्योंकि जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज उनको ट्रायड में रख दिया लेकिन जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको ट्रायड में रखने के बाद वो फुलफिल नहीं होती। और दूसरा, डोबराइनर ने सिर्फ तीन ट्रायड बनाए, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मैच किया, और जो कि दूसरे तत्वों में वो यूज़फुल नहीं था। तो ये थ्योरी यहीं पर फेल हो जाती है। जैसे ये थ्योरी ने जितना इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने इसको और दूसरों को लेके नेक्स्ट अरेंजमेंट किया, अपनी एक टेबल बनाई, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड। न्यूलैंड भी एक जर्मनी से के रहने वाले साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। उन्होंने भी अपने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करना चाहा, और उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक आठवां एलिमेंट है उसके जो गुण हैं वो पहले एलिमेंट से मैच करता है। जैसे आप म्यूजिक में नोट्स पढ़ते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, आठ नोट्स हैं, तो आठ नोट्स में पहला सारे गामा पा धा नी सा, सा पहला और आठवां सा, तो पहला और आठवें की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सेम है। तो उन्होंने म्यूजिकल नोट्स के आधार पर अपने नियम बनाया, अपने तत्वों को अरेंज किया, और इस नियम का नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाता है। और ये स्टेटमेंट क्या दिए इन्होंने कि सभी तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, और उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक आठवां तत्व है उसके जो गुण हैं पहले तत्व के गुण के समान उन्होंने पाए। तो ये मैन्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी,
न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट डिस्कवर किए, और उन्होंने कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाद में भी कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए गए, और लेटर ऑन उनको जिनकी प्रॉपर्टीज़ फिट नहीं होती थी न्यूलैंड और लॉ ऑफ ऑक्टेव में, इस तरह के एलिमेंट्स वो डिस्कवर किए गए। पहला जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो एप्लीकेबल सिर्फ कैल्शियम तक था, मतलब कैल्शियम तक ये देखा गया कि उसका जो आठवां तत्व है पहले तत्व की प्रॉपर्टीज़ के गुणधर्म मिलते जुलते हैं, लेकिन जैसे ही कैल्शियम के बाद दूसरे तत्व आने लगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करती थी, तो यहाँ पर फेल हो जाता है ये लॉ। उसके बाद उन्होंने कहा 56 एलिमेंट्स जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट के अंदर दो दो तत्वों को रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी, अनलाइक एलिमेंट्स हैं लेकिन सेम उसमें स्लॉट में डाल दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल हैं, उनको एक स्लॉट में रख दिया और उनको उस कॉलम में रखा, उस समूह में रखा जहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, इस तरह की गैसें हैं जो इनर्ट गैसेज होती हैं, ज़्यादा रिएक्टिव गैसेज होती हैं, उन इनर्ट नहीं कहेंगे हम इसको, क्लोरीन फ्लोरीन है ये गैसेज हैं, और इन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट हैं, तो ये भी एक यहाँ पर सूटेबल पॉइंट नहीं था जो उन्होंने न्यूलैंड ने रखा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो लोहा है, आयरन है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, लेकिन उसको दूर कहीं दूसरे कॉलम के अंदर या रोज के अंदर रखा उन्होंने अपनी टेबल में, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। नेक्स्ट आता है, धीरे धीरे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जिनका नाम था मेंडलीव। उन्होंने क्या स्टडी किया कि जो तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान हैं और उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनके बीच में रिलेशन देखा उन्होंने। इन्होंने एक अलग चीज़ क्या देखी, उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए उस टाइम, सिमिलरिटीज़ प्रॉपर्टीज़ देखी जितने भी एलिमेंट्स की, जैसे उन्होंने 63 कार्ड्स लेते, हर एक कार्ड पर एक एक एलिमेंट का नाम लिखना शुरू कर दिया, तो टोटल 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कैरी आउट किया आगे, और उन्होंने अपना क्या रूल बनाया कि जो तत्वों की जो गुणधर्म हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान के फलन हैं, मतलब वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किए गए थे। तो मेंडलीव ने वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, जो ऊर्ध्व स्तंभ जिसको हम कहते हैं उसको ग्रुप या समूह कहते हैं, और क्षैतिज जो पंक्तियाँ होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उसको पीरियड से आवर्त कहते हैं, तो उन्होंने 8 कॉलम और 6 रोज हैं वो डिस्कवर की अपनी टेबल के अंदर, जिसमें 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अलग अलग जगह दी, लेकिन कुछ कॉलम या कुछ रोज फिर भी खाली थी जो उस टाइम तक वो एलिमेंट्स को डिस्कवर नहीं कर पाए। आगे आप देखिए, ये मेंडलीव ने अपनी टेबल में अलग अलग एलिमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने की, मेंडलीव ने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाए अपने एलिमेंट्स के, जो कि उसकी भौतिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के तत्वों को स्टडी करने का एक एक्सपोजर था, एक अलग से प्रयोग था, तो वो उन्होंने अलग अलग बताया। अब इसकी अचीवमेंट भी है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के गैप छोड़ दी उन्होंने, कुछ जगह छोड़ी हुई थी जिनको उस टाइम डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन बाद में जब डिस्कवर किया गया तो उन्होंने क्या किया कि जो जगह छोड़ी हुई थी उनको प्रेडिक्ट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि एलिमेंट जब डिस्कवर होगा कभी तो इसका नाम ये होगा, इसका एटॉमिक मास इतना होगा, मेल्टिंग पॉइंट, ऑक्साइड बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा, इस तरह का उन्होंने प्रीफिक्स देके कुछ उपसर्ग लगा दिए, संस्कृत न्यूमरल, जैसे एका, एका एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है, उसके आगे जैसे एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे नाम रख दिए। और जब बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तीन एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जो मेंडलीव के टेबल में प्रिडिक्ट भी किए गए थे और उसको बाद में मैच भी किया गया, वो है स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। दो का यहाँ पर टेबल में दिख रहा है आपको, एका एल्यूमिनियम है जो प्रिडिक्टेड था, उसने कहा था कि उसका मास 68 होगा, गैलियम उसका नाम बाद में जब वो पाया गया तो रखा गया और उसका मास था 69.7, जो कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन है। बाकी आप सारे इसमें फार्मूला ऑक्साइड जो देखा था वही सेम था, फार्मूला ऑफ क्लोराइड है वो भी GaCl3, एका सिलिकॉन है, जर्मेनियम उसका नाम रखा गया बाद में। तो इस तरीके से तीन एलिमेंट्स को उन्होंने प्रिडिक्ट किया, जो कि एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन,
वो बाद में बहुत लेट डिस्कवर की गई थी, क्योंकि ये जो हीलियम नियॉन आर्गन गैसेस हैं ये एक्रिय हैं, ये क्रिया नहीं करते, एकदम उनका इफेक्ट दिखाई नहीं देता, और साथ ही इनकी जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है, बहुत कम मात्रा में ये वायुमंडल में उपस्थित हैं, जिसके कारण उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जब ये गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो उसके लिए एक नया ग्रुप है उन्होंने बनाया, ताकि दूसरे एलिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बहुत बड़ी इसकी दो अचीवमेंट थी मेंडलेव की, दूसरा नोबल गैसेस को एक अलग जगह दी, और दूसरा उन्होंने जो प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स थी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्रेडिक्ट किए गए, जब फाउंड किए गए तो उससे आप मैच की स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये तीनों एलिमेंट्स को बाद में डिस्कवर करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच किया गया, जो कि एक प्रोडक्शन थी। उसके बाद मेंडली क्लासिफिकेशन की कुछ कमियाँ भी हैं, कुछ सीमाएँ भी हैं, कि क्या उन्होंने क्या क्या उसमें कमियाँ रहेगी। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन की पोजीशन, वो हाइड्रोजन की एक करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्षारीय धातु जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है, तो उस तरीके से उसको वो पोजीशन नहीं दे पाए। दूसरा, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स जो हैं, हाइड्रोनियम, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ये तीन आइसोटॉप हैं जिनको हम एक ही जगह पर वो एटॉमिक मास के आधार पर नहीं रख पाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट का मास है वो डिफरेंट था, 1H1, 1H2, 1H3, तीनों मास अलग अलग हैं, तो तीनों को एक बॉक्स में रखना भी आसान नहीं था उन, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, और कई बार कई तत्वों का उन्होंने इरेगुलर एटॉमिक मासेस के आधार पर अरेंज किया, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन का मास कोबाल्ट के मास से कम है, उसको पहले रखा, लेकिन निकिल का मास कोबाल्ट के मास से कम है, तो पहले आना चाहिए था कोबाल्ट से निकिल, तो इसलिए इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस के आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को रखा। इसका मतलब उन प्रॉपर्टीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, एक ही स्लॉट में दो दो तीन तीन एलिमेंट्स को भी उन्होंने रखा, जिसकी वजह से ये थ्योरी सक्सेस नहीं हुई। आई थिंक आपको तीनों साइंटिस्ट की जो टेबल है, जो तत्वों का वर्गीकरण है, वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।